हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओमेगा क्लासेस। दोस्तों हम क्लास 12 के रोटेशनल डायनेमिक्स के न्यूमेरिकल्स कर रहे थे, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो चलिए 20 नंबर का प्रॉब्लम शुरू करते हैं। मैं पढ़ता हूँ, आपके स्क्रीन पे है, ठीक है। अ बिग डंबल इज प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास 60 ग्राम। डंबल बना रहे हैं, उसमें जो रॉड है उस रॉड का मास जो है वो रॉड का मास है 60 ग्राम, ठीक है, और उसका लेंथ है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। रॉड के बाद है उसको दो आइडेंटिकल स्पीयर्स हमने लगाए हैं, सॉलिड स्पीयर्स, न्यूमेरिकल में पढ़ो। जो सॉलिड स्पीयर्स है, सॉलिड स्पीयर्स का आइडेंटिकल है दोनों, हर एक का मास है 50 ग्राम और रेडियस है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द होल डंबेल निकालना है। देखो ये रॉड है, ठीक है, इस रॉड की कुछ लेंथ है, कुछ मास है, और उसको इधर हमने क्या लगाया है, दो आइडेंटिकल सॉलिड स्पीयर लगा दिए। ये दोनों स्पीयर आइडेंटिकल है। हमें इस पूरे शेप का, पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। कहां पे? व्हेन डंबल इज रोटेटेड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। इस डंबल का सेंटर यहाँ पे आएगा, ठीक है, पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। ये लेंथ है, इस लेंथ को परपेंडिकुलर एक्सिस ऐसा, ठीक है, इस एक्सिस ऐसा खड़ा पास होगा, करेक्ट है। तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, मैं आयो मान लेता हूं उसको, ठीक है। टू फाइंड क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस परपेंडिकुलर टू लेंथ ऑफ डंबल, ठीक है, एंड पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ डंबल, पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ डंबल, ठीक है, वो निकालना है। तो चलिए देखो, इसमें तीन पार्ट है, ये फर्स्ट स्पीयर, ये सेकंड स्पीयर, ये थर्ड स्पीयर। तो पहले हम क्या करेंगे, इस स्पीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे अबाउट दिस एक्सिस, ठीक है। बाद में इस स्पीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे अबाउट दिस एक्सिस, करेक्ट है। उसके बाद में इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे अबाउट दिस एक्सिस, और तीनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया को एड कर दो, हो गया आंसर, करेक्ट है। तो चलिए पहले हम इस स्पीयर का निकालते, इस स्पीयर का जो आएगा वही इस स्पीयर का आएगा, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल है, ठीक है, और एक्सिस सेंटर में से पास हो रहा है। तो इस एक्सिस का डिस्टेंस यहां से जितना होगा उतना ही यहां से भी होगा, ठीक है। तो देखो डिस्टेंस कितना है, ये एल बाई टू, ठीक है, सेंटर में से एक्सिस पास हो रहा है तो ये भी एल बाई टू, करेक्ट है। तो चलिए हम पहले स्पीयर के लिए करते हैं। फॉर स्पीयर्स, किसी एक का निकालो दूसरे के लिए भी वही होगा। देखो मैं क्या करता हूं, इस स्पीयर से एक सेंटर ऑफ मास में से मैं एक ऐसा एक्सिस पास करता हूं, ठीक है, और इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं मान लेता हूं आई सी। हम एक्सिस ऐसा पास करेंगे जिसके अबाउट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला हमें मालूम होता है, टेबल में दिया होता है। तो मैं इस स्पीयर के इस एक्सिस को ड्रॉ कर लेता हूं, इस एक्सिस के अलावा का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें मालूम है, ठीक है। ये एक्सिस कैसे पास हो रहा है, पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द स्पीयर, पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ सॉलिड स्पीयर, ठीक है। तो लेट आई सी बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्पीयर पासिंग थ्रू सेंटर, ठीक है, सेंटर ऑफ द स्पीयर। लेकिन हमें इस एक्सिस के अबाउट निकालना है, तो देखो जिस एक्सिस के अबाउट निकालना है, ये एक्सिस, ये हमने ड्रॉ किए हुए एक्सिस को क्या है, पैरेलल है। तो इस केस में, इस न्यूमेरिकल में हमें पैरेलल एक्सिस का थ्योरम यूज करना होगा। तो यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या हो जाएगा, आईओ होता है आईसी प्लस एमएच स्क्वायर, आईसी प्लस एमएच स्क्वायर। IC मतलब जिसका फॉर्मूला हमें मालूम है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी, पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी। M है इस बॉडी का ही मास, ठीक है, इसी बॉडी का मास, और H है जिस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है उस एक्सिस का डिस्टेंस, कहां से, हमारे एक्सिस से। इस एक्सिस के अबाउट निकालना है उसका डिस्टेंस H है, कितना है, लेकिन H L by 2, ठीक है, वो पुट कर देंगे आंसर आ जाएगा। देखो क्या आएगा, आईसी के लिए फॉर्मूला है, टेबल में दिया हुआ है हमारे बुक में, वो होता है 2/5 mR², ठीक है। बाद में उसी डिस्क का मास और एच की जगह पे अभी क्या पुट कर देंगे, L/2 का स्क्वायर, ठीक है, पुट करो। तो चलिए इसको सॉल्व करो, आपको आई वो मिल जाएगा स्पीयर की वजह से। चलिए 2/5 मास कितना है 50, रेडियस कितना है 10, 10 का क्या करना है स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो 100, ठीक है, प्लस फिर से मास, मास कितना है 50, L/2, L मतलब ये रह गया ना, ये L/2, ये पूरी लेंथ 20 है, तो ये कितना हो गया
एल बाई टू 10 हो गया, तो 10 का स्क्वायर वापस कितना 100। चलो इसको सॉल्व करो, ये 10 करेक्ट है, 2 इंटू 10 इंटू 100 2000 प्लस ये 50 इंटू 100 5000 हो गया 7000। यूनिट क्या है? ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। देखो तो ये हो गया एक स्पीयर का, तो दूसरे स्पीयर का क्या आएगा? सेम आएगा, क्योंकि आइडेंटिकल है, डिस्टेंस भी वही है, इस एक्सिस से इस एक्सिस का वगैरह सब सही है, सब वही है। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ड्यू टू सेकंड स्पीयर भी क्या होगा? वही होगा जो फर्स्ट स्पीयर का होगा। ठीक है, आई ओ इज इक्वल टू उसका जो होगा 7000। ठीक है, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी दो पार्ट तो हो गए, पहला स्पीयर दूसरा स्पीयर दोनों हो गया, तीसरा पार्ट जो बचा है वो क्या है? रॉड का। ठीक है, रॉड का जो है, रॉड में से एक्सिस पास हो रहा है वो कैसे? उसके सेंटर ऑफ मास में से पास हो रहा है और उसकी लेंथ को परपेंडिकुलर है। अगर आप टेबल देखोगे तो उसमें रॉड के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है, फर्स्ट ही है शायद, क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ इज, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है ml स्क्वायर बाय 12। ठीक है, वेयर m इज मास, किसका? रॉड का ही। रॉड का मास इज 60, लेंथ कितनी है 20, 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400 अपॉन 12 5। ठीक है, इसको सॉल्व करो कितना आ जाएगा 2000। ठीक है, ये हो गया इस एक्सिस के अबाउट इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकलेगा? टोटल आएगा इस स्पीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, इस स्पीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, प्लस इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस। स्पीयर का निकाला पहले का 7000, दूसरे का भी 7000, रॉड का आएगा 2000, कितना आ जाएगा 16000 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये 16000 जो है ये होगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, बुक में आंसर अलग दिया है लेकिन बुक वाला आंसर थोड़ा गलत है, करेक्ट है, यही आंसर हमारा सही है। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम करेंगे 21st नंबर। ये दोस्तों 21st नंबर का क्वेश्चन करते हैं, मैं पढ़ता हूँ। अ फ्लाईव्हील यूज्ड टू प्रिपेयर अर्थनवेयर पॉट्स इज सेट इनटू रोटेशन एट 100 rpm। ठीक है, फ्रीक्वेंसी दिया है 100 rpm, लेकिन फ्रीक्वेंसी का यूनिट rpm नहीं होता है, क्या होता है? rps होता है। तो rps कैसे निकालेंगे? 60 से डिवाइड करके। सॉल्व करो कितना आ जाएगा 00 कट, ये आ जाएगा 5/3 rps, या फिर उसको बोलते हैं हर्ट्ज। ठीक है, उसके बाद में इट इज इन द फॉर्म ऑफ डिस्क ऑफ मास 10 kg। जो फ्लाईव्हील है ना, जो घुमाते हैं उसके बाद में मिट्टी डाल के उसका पॉड बनाते हैं, उस फ्लाईव्हील का शेप जो है वो डिस्क शेप है। ठीक है, और डिस्क शेप है और उसका मास जो दिया है वो मास दिया है 10 kg, करेक्ट है। ठीक है, एंड रेडियस 0.4 meter, रेडियस देखे रखा है 0.4 meter। ओके, अ लंप ऑफ क्ले टू बी टेकन इक्विवेलेंट टू अ पार्टिकल। ठीक है, अ लंप ऑफ क्ले मतलब मिट्टी का छोटा सा हिस्सा लिया है, ऑफ मास 1.6 kg। ठीक है, मास ऑफ क्ले लंप कितना है 1.6 kg। ठीक है, फॉल्स ऑन इट एंड एडस टू इट एट अ सर्टन डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, ओके, बाद में ड्रॉइंग करते हैं। कैलकुलेट एक्स इफ द व्हील नाउ रोटेट्स एट 80 rpm। तो ये जो दिया है ये फर्स्ट है, पहला rpm कितना है 5/3 rps। ठीक है, पहली फ्रीक्वेंसी है 5/3 hertz, दूसरी में इधर ही लिख लेता हूँ, दूसरी भी उन्होंने देख के रखी है 80 rpm, तो इसको rps में करो 80/60 8/4 4/3 hertz। देखो किस्सा क्या है, मैं बताता हूँ। ये फ्लाईव्हील जो है उसको घुमाते हैं, ठीक है, ऐसा बीच में एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम पे क्ले डाल के वो सब शेप वगैरह देने का काम करते हैं। तो ये फ्लाईव्हील घूमती है, पहले घूमने का फ्रीक्वेंसी कितना है उसका 5/3 revolutions per second या 5/3 rotations per second। ठीक है, लेकिन क्या हुआ बाद में, एक क्ले लंप था जिसका मास कितना है 1.6 kg, वो क्ले लंप इस पे कहां से तो भी गिर गया यहां पे। ठीक है, और इस क्ले लंप का डिस्टेंस है सेंटर से एक्स, कितना मान लिया है एक्स मान लिया है। तो जैसे ही ये लंप, पहले जो ये फ्लाईव्हील इतने स्पीड से घूम रही थी 100 rpm पे घूम रही थी,
एक मिनट में 100 रिवॉल्यूशन या 100 रोटेशन कंप्लीट कर रही थी, इस लंप के गिरने की वजह से अभी वो एक मिनट में सिर्फ कितना रोटेशन कर पा रही है, एक मिनट में सिर्फ 80 रोटेशन कर पा रही है। ये किसकी वजह से हुआ? क्योंकि ये लंप यहाँ पे गिर गया, मास बढ़ गया। ठीक है, तो हमें निकालना है, हमें निकालना है ये डिस्टेंस निकालना है कि लंप एग्जैक्टली कहाँ पे गिरा। करेक्ट है, तो चलिए कैसे करेंगे इसको, चलिए इसको करते हैं, देखो क्या होगा। पहले मास कम था, ये जो ऐसा कंसेप्ट है ना, ऐसे ऐसे कंसेप्ट वाला जो एग्जांपल है वो बेस्ड होता है एक प्रिंसिपल पे, वो है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्यों? देखो क्या होगा, पहले मास कम था, फ्रीक्वेंसी ज्यादा था, बाद में ये लंप गिरने की वजह से मास बढ़ गया। ठीक है, मास 1.6 केजी से बढ़ जाएगा और फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगा। मास जब कम होता है तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कम होता है, और मास जब बढ़ता है तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी बढ़ता है। करेक्ट है, और हमारे पास रिलेशन है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया और फ्रीक्वेंसी का, एक रूल है उसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। वो है अगर किसी बॉडी पे, किसी सिस्टम पे एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट नहीं होता है तो उस बॉडी का इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है, फाइनल मोमेंटम होता है। ठीक है, वो वाला कंसेप्ट हमें यूज करना है, इस पे एक्सटर्नल टॉर्क लगने नहीं वाला है। ठीक है, तो इनिशियल देखो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, फाइनल भी है, तो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास है। सिर्फ हमें इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया और फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जरूरत है। देखो क्या बोलता है, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम एंगुलर। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है, इनिशियल को मैं लिखता हूं, चलो इसको L1 L2 बोलता हूं मैं अच्छे से, I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2। I1 कैसे निकलेगा, इसका शेप उन्होंने बोला है डिस्क शेप। क्या है? डिस्क शेप। ये डिस्क है, ये एक्सिस है, एक्सिस किस में से पास हो रहा है, डिस्क से, सेंटर में से, और एक्सिस जो है इस डिस्क के प्लेन को परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो डिस्क के लिए अगर एक्सिस उसके सेंटर में से पास होता है और इस डिस्क को परपेंडिकुलर होता है तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर बाय टू। ठीक है, इंटू ओमेगा 1, ओमेगा 1 मतलब क्या होता है 2πn1। ठीक है, इज इक्वल टू, अभी I2 कैसे निकलेगा, देखो I2 मतलब ये लंप ऐड होने के बाद का मोमेंटम, लंप ऐड होने के बाद का मोमेंट, सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो देखो पहला मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, mr² / 2, इतना है, ये तो पक्का है, लेकिन इसके बाद भी ये लंप ऐड हो जाएगा, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है mr², क्या होता है, जनरल फॉर्मूला mr². ठीक है, m मतलब मास, आर मतलब उस मास का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, ऐसा ही करते आए हम। ठीक है, आई को हम इस ऐसा लिखते हैं mr² आई रनिंग फ्रॉम 1 to n। ठीक है, मतलब m1r1² + m2r2² जितने पार्टिकल है उन सभी पार्टिकल के मासेस, ठीक है, और उन सभी पार्टिकल का परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, इनके प्रोडक्ट की सम, यानी क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो पहले मासेस कितना था, जितने भी पार्टिकल्स थे डिस्क में उतने सारे मासेस थे, अभी एक पार्टिकल ऐड हो गया ये वाला। ठीक है, तो मान लो 10 थे तो क्या हो जाएगा, ये m1r1² + m2r2² ऐसे करते करते m10r10² तक जाएगा। उसके बाद में नए सिरे में क्या होगा, कुछ देर बाद ये लंप ऐड हो गया, मतलब नया पार्टिकल ऐड हो गया, तो नया पार्टिकल ऐड हो गया तो हमें 11th का ऐड करना होगा। ठीक है, तो वैसा ही इसमें हो रहा है, पहले इतना था टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लेकिन अभी उसने जो नया लंप ऐड हो गया उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, I2 हो जाएगा mr² / 2, और इसी के साथ में लंप का मास में m मान लेता हूं। ठीक है, और लंप का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, x है, तो उसका स्क्वायर, ये हो गया नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो नया ये हो जाएगा क्या, एंगुलर वेलोसिटी 2π/2। बस अभी इसमें वैल्यू पुट कर दो, आपको x² मिल जाएगा, x भी मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये 2π/2π दोनों साइड का कट कर देता हूं मैं। ठीक है, मास कितना है 10 kg, रेडियस कितना है 0.4, ठीक है, अपॉन 2,
इंटू एन वन कितना है, एन वन है 5/3 इज इक्वल टू, ये सेम है ठीक है, 10 × 0.4 × 0.4/2 प्लस मास कितना है 1.6 एक्स स्क्वायर ठीक है, एक्स स्क्वायर इंटू एन टू कितना है 4/3। देखो क्या होगा, ये 3 और ये 3 कट हो जाएगा ठीक है, जो बचेगा उसमें क्या सॉल्व करेंगे, जो बचेगा उसमें देखो ये हो गया 0.4 को 2 से डिवाइड कर दो 0.2 ठीक है, 0.2 इंटू ये क्या हो गया 10, 2 हो गया करेक्ट है, इतना सॉल्व हो गया 2 इंटू अभी ये क्या बचेगा 0.4 इंटू 5 इज इक्वल टू, ये यहां पे देखो सेम होगा ठीक है, क्या हो जाएगा 2 × 0.4 + 1.6 एक्स स्क्वायर ठीक है इंटू 4। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, 5 × 10 × 0.4 = 4 हो जाएगा इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 0.8 + 1.6 एक्स स्क्वायर इंटू 4 करेक्ट है। तो देखो क्या हो जाएगा, ये 4 कैंसिल हो जाएगा, 1 = 0.8 + 1.6 एक्स स्क्वायर, ये 0.8 इधर आ जाएगा, हो जाएगा 0.2 ठीक है, क्या है 1 - 0.8 कितना आ जाएगा 0.2 इज इक्वल टू 1.6 एक्स स्क्वायर ठीक है, तो 0.2 ये 1.6 नीचे लेके आओ इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसको सॉल्व करो, मैं क्या करता हूं ऊपर नीचे दोनों को 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे तो ये 2/16 हो जाएगा ठीक है इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, देयरफॉर एक्स क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा 1/8 ठीक है, 2/16 डिवाइडेशन हो जाएगा तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा 1/√8 1/√8 दोनों साइड पे स्क्वायर रूट डाल दो, बस हमें एक्स की वैल्यू निकालना था ठीक है, 1/√8 की वैल्यू निकालने का जरूरत है नहीं, सब किसमें दिया है एसआई सिस्टम में है, तो इसका यूनिट आएगा मीटर ठीक है। तो इस तरह से हमने ये 21 नंबर का भी क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है, अभी लेते हैं लास्ट वाला, चलिए दोस्तों 22 करते हैं ठीक है। क्या है इसमें, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एन ऑब्जेक्ट रोल्स डाउन, मतलब वो नीचे आता है अलोंग एन इंक्लाइन दैट राइजेस बाय 3 इन एवरी 5 अलोंग इट ठीक है, द ऑब्जेक्ट गेन्स स्पीड ऑफ रूट 10 मीटर पर सेकंड एज इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 5/3 मीटर अलोंग द इंक्लाइन, व्हाट कैन बी द पॉसिबल शेप्स ऑफ द ऑब्जेक्ट ठीक है, न्यूमेरिकल को अच्छे से समझो, लाइन बाय लाइन जाते हैं। देखो क्या है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एन ऑब्जेक्ट रोल्स डाउन अलोंग एन इंक्लाइन ठीक है, ऑब्जेक्ट ऐसे इंक्लाइन प्लेन से नीचे आने वाला है, यहां पे रेस्ट में होगा और ऐसे यहां से रोल करते करते नीचे आएगा, लेकिन ये इंक्लाइन वाला सरफेस कैसा है उन्होंने बता के रखा है, विच राइजेस बाय 3 इन एवरी 5 अलोंग इट, मतलब जब एक 5 मीटर या फिर उन्होंने यूनिट नहीं दिया है कुछ भी मान लो, जब 5 से वो नीचे आ जाएगा उसके बाद में इंक्लाइन क्या होता है, इंक्लाइन ऐसे 3 से बढ़ जाता है ठीक है, वापस ऐसे आएगा जैसे ही 5 नीचे आएगा ये इंक्लाइन ऐसे 3 से बढ़ जाएगा ठीक है, इस तरह से ऑब्जेक्ट आने वाला है ठीक है। और आगे का इंफॉर्मेशन उन्होंने अभी ये हम पूरा नहीं ड्रॉ करेंगे, सिर्फ एक ही पार्ट लेंगे इसका ठीक है, तो एक पार्ट कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा यहां से स्टार्ट होगा, ये इतना कितना है पूरा 5 है ठीक है, और ये इंक्लाइनेशन कितना है फिर 3 है ठीक है, इसको मान लेते हैं एंगल थीटा करेक्ट है, इस तरह से एक ले लिया हमने। उन्होंने बोला है कि द ऑब्जेक्ट गेन्स स्पीड ऑफ √10 मीटर पर सेकंड, पहले स्पीड 0 है, जैसे जैसे नीचे आएगा स्पीड बढ़ते जाएगा ठीक है, उस ऑब्जेक्ट का स्पीड होगा √10 मीटर पर सेकंड एज इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 5/3 मीटर ठीक है, यहाँ पे 0 है, जैसे ही वो कितना आ जाएगा 5/3 मीटर आ जाएगा नीचे, यहां से ऐसा नीचे, तो उसका स्पीड हो जाएगा √10 मीटर पर सेकंड। तो हमें शेप ढूंढना है, हमें शेप ढूंढना है, तो चलिए देखिए क्या होगा, पहली वेलोसिटी 0 है ठीक है, कुछ देर की बात की वेलोसिटी है √10 मीटर पर सेकंड, जब डिस्प्लेसमेंट कितना कवर कर रही है, जब डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है बराबर है 5/3 मीटर, तो देखो यहां से आपको क्या आ जाएगा, ये रोलिंग मोशन पे प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है रोलिंग मोशन पर ठीक है,
हमारे पास देखो वी है, यू है, एस है, इस पे से हमें ए आ जाएगा। ए क्यों निकालना है वो भी इम्पोर्टेंट है। चलिए हमारे पास क्या है काइनेमेटिकल इक्वेशन, यू स्क्वायर प्लस टू एस, वी है 10 और वी स्क्वायर क्या हो जाएगा, सॉरी वी है अंडर रूट 10 तो वी स्क्वायर हो जाएगा 10। यू क्या है 0 प्लस 2 इंटू ए इंटू एस कितना है 5/3 करेक्ट है। तो देखो क्या हो जाएगा 10 इज इक्वल टू ए 2 इंटू 5 10 ए अपॉन 3 कट हो जाएगा। देयरफॉर ए कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। कैसे ये 10 10 कट, ये 3 डिवाइड को इधर आके मल्टीप्लाई तो ए इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। इतना होगा, इतने से तो हमें शेप नहीं मिला, ठीक है। तो हम और करते हैं, रोलिंग मोशन में क्या होता है, ए होता है जी साइन थीटा, ए के लिए फॉर्मूला, एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला होता है 1 + k² / r², ठीक है। तो ए इज इक्वल टू जी मान लेते हैं 10, अभी साइन थीटा यहां से निकलेगा, ठीक है। साइन थीटा क्या होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, तो क्या है अपोजिट 3, हाइपोटेनियस है 5, तो वैल्यू पुट कर दो 3/5 अपॉन 1 + k² / r², ठीक है। वेयर के इज रेडियस ऑफ डायरेक्शन, के की वैल्यू पे डिपेंड करता है कि शेप कौन सा होगा। अभी से आपको बता देता हूं कि के की वैल्यू पे डिपेंड करता है शेप कौन सा होगा, ठीक है। तो ये देखो क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू हो जाएगा 6 के है 5 इंटू 2 करेगा तो 10 आएगा, तो फिर ऊपर 2 बचेगा 2 इंटू 6 अपॉन 1 + k² / r², तो दोनों को इक्वेट कर दो, ठीक है। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो क्या आ जाएगा 6 अपॉन 1 + k² / r² = 3, ठीक है। तो 3 से 6 को दे दो, देयरफॉर 2 अपॉन 1 + k² / r² = क्या आ जाएगा 1, ठीक है। 3 से डिवाइड किया दोनों साइड पे, तो देखो क्या आ जाएगा, इसको कंपेयर करो, देयरफॉर 1 + k² / r² कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 अपॉन 2 क्या होता है 1, तो ये पूरा 1 + k² / r² क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो देयरफॉर वापस k² / r² = क्या हो जाएगा 1, इस 1 को उधर भेज दो, देयरफॉर क्या हो जाएगा k = r, कैसे k² = ये r² उधर चला जाएगा, अंडर रूट डाल दो k = r आ जाएगा। अभी ऐसे दो ही शेप है, ठीक है, अभी ऐसे दो ही शेप है कि जिसमें क्या होता है रेडियस ऑफ डायरेक्शन इज इक्वल टू क्या होता है रेडियस ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो वो क्या होता है, जो रिंग होती है आपकी, ठीक है, ये हॉलो होता है अंदर का पोर्शन और पूरा मास कहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड मान सकते हैं हम इधर, तो रिंग के लिए रेडियस ऑफ डायरेक्शन इज इक्वल टू रेडियस ऑफ रिंग आ सकती है, ठीक है। अब इसी रिंग को हम ऐसा नीचे एक्सटेंड करके हॉलो सिलेंडर बना देंगे, क्या बना देंगे हॉलो सिलेंडर, तो पूरा मास हम यहां से भी यहां से यहां दूर तक क्या कर सकते हैं कॉन्सेंट्रेटेड मान सकते हैं रेडियस ऑफ डायरेक्शन की डेफिनेशन के हिसाब से, ठीक है। तो k इज इक्वल टू r कब आता है, जब बॉडी कौन सी होती है, बॉडी या रिंग होगी या फिर होगी हॉलो सिलेंडर। तो इस प्रॉब्लम में जो रोटेट करने सॉरी जो रोल करने वाली बॉडी है, जो ऑब्जेक्ट है, ये या तो रिंग होगा या तो होगा हॉलो सिलेंडर। अगर r अपॉन रूट 2 आता तो डिस्क होता, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से आपके रोटेशनल डायनेमिक्स के सारे न्यूमेरिकल हमने सॉल्व कर दिए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।